नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये प्रश्न जो थोड़े मिक्स होंगे, क्योंकि जिन ठीक है हमने पहले जो वीडियोज बनाए थे कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए, जो टॉपिक वाइज उनमें जिन वीडियोज में हमने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है, जिनमें हम पीडीएफ नहीं दिए, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर जो है कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन बचते थे, तो उनको हमने यहां पर कलेक्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। 10 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, सीपीयू का विस्तार डैश है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। और ये सभी प्रश्न मैंने कहाँ से लिए हैं? पुराने पेपरों से, और भारत स्किल्स का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से मैंने इन प्रश्नों को लिया है। दूसरा प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की डिवाइस डैश है, तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किस प्रकार का जो है कंपोनेंट का यूज किया गया था, डिवाइस का यूज किया गया था? तो उनमें यूज किया गया था आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी, ठीक है, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा डिवाइस है जो एक कंप्यूटर में इनपुट किए गए अक्षरों को मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डर द्वारा पहचानता है? तो मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डर किसमें होता है? वो होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि बैंक में जो आप जो चेक देते हो, चेक साइन करते हो, तो उस चेक के ऊपर ऊपर जो है एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर नंबर जो होता है वो एक मैग्नेटिक इंक, ठीक है, एक चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करके लिखा जाता है, जिसे हम आंखों से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन ये जो डिवाइस होता है MICR, ये उस नंबर को पढ़ सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, कौन सा तेज गति का प्रिंटर है? तो इनमें सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है? तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है, लेजर जो प्रिंटर होता है वो सबसे तेज प्रिंटर है। सातवां प्रश्न है, अत्यधिक स्टोरेज क्षमता डैश में उपलब्ध होती है, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेमोरी डिवाइस ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो सीडी के अंदर हम जो है 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ये जीबी तक जाता ही नहीं है, ये एमबी तक ही रह जाता है, मतलब 5 से 6 MB तक ही मैक्सिमम रहता है, उसके बाद है रोम, और उसके बाद है डी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर हम अधिकतम डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 TB 2 TB तक हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर एक डैश डिवाइस है, तो कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नौवां प्रश्न है, लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो किस में लिखी जाती है? वो आपकी बाइनरी कोड में लिखी जाती है, 0101, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, और इसे जो है मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है, ठीक है, किसका यूज किया गया था? मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। दसवां प्रश्न है, इनमें से किस डिवाइस के द्वारा डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्कैन किया जाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी पिक्चर को स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। ये क्या करता है? ये हमारे हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।